ये कुकीज़ के डब्बे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इन बॉक्सेस को जोड़ करके नया गमला, नया पॉट बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जोड़ करके एक नया पॉट बन जाएगा यहाँ पर। छेद करिए। तो इधर यहाँ पर हम इसको होल करके यहाँ से फिर इसको सिलाई कर डालेंगे साथ में। फिर ये सब जुड़ गएंगे, फिर ये यहाँ एक पॉट तैयार हो जाएगा बढ़िया सा। इसके बीच में फिर हम प्लांट लगाएंगे। तो ये हैंगे हमारे कुकीज़ के डब्बे हैंगे, जो कि वेस्ट हैं अब हमारे लिए, किसी काम के नहीं। वैसे तो हम इसमें कुकी दोबारा रख सकते हैं, लेकिन ये ढेर लगता जाएगा, हम कितने डब्बे संभालेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम इसका जो है फ्लावरिंग पॉट बना देंगे। आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको तैयार करना है, और फिर इसको हम आपको फ्लावर लगाते हुए भी दिखाएंगे, इसमें प्लांट कैसे लगाना है। तो ये बहुत अच्छा इसमें वो बन जाएगा ड्रेनेज, और काफ़ी बढ़िया इसमें वो हो जाएगा। अच्छा, इसके लीड निकलेंगे नहीं, इसके ऊपर ही से साथ में अटैच हो जाएंगे, वरना क्योंकि फिर इसमें मजबूती कम आ जाएगी, वरना लीड इसमें लगा करके बंद में ही हम इसको अटैच कर देंगे जी। अच्छा, एक का ढक्कन निकाल दिया। चलो, एक का निकाल दिया हमने, इसका ऊपर से निकलेगा काट के। ये नहीं निकाला ना पूरा, इसका किनारा तो इसका छोड़ दिया हमने, और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल देंगे। बीच में ठीक है, हम ये इसमें होल कर रहे हैं, यहाँ से फिर हम इनको ज्वाइंट कर देंगे दोनों को। हाथ बचा के करना है, क्योंकि ये स्टिक हमारी प्रॉब्लम है, और इससे जो है फिर फायदा होगा कि दोनों बॉक्स ऊपर नीचे इसमें अटैच भी हो जाएंगे गर्म करके। चिपक भी गया वो होल करने में। तीसरा वाला इसके ऊपर लगाएंगे, फिर इसको अटैच करेंगे। तो इस वाले बॉक्स का बेस हट जाएगा और इस वाले का बेस हट जाएगा। ये इसका बेस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, और इसका जो है टॉप निकलेगा ऊपर से। इसका टॉप जब हम खोल देंगे तो उसका नीचे से बेस खोल देंगे, और पूरा जो है बीच में से खुलना चाहिए हमारे को। इसमें छेद कर देंगे अब हम, उसके बाद इसकी सिलाई। तो फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ पे होल कर रहे हैं, अगर आपके पास में कोई और तरीका तो आप उसे कर सकते हैं। हमारे ये इसमें पूरे होल्स हो गए, यहाँ पर अंदर की तरफ ही देख सकते हैं सर। यह कि भाई ये थोड़ा सा चिपक भी जाता है गर्म होने की वजह से, उसके बीच में अब हम सिलाई करके इनको फिर अटैच करेंगे। अभी थर्ड हो गया है, एक और रहता है अभी लास्ट वाला रह गया अटैच करने का। उसके बाद में फिर ये तैयार हो जाएगा, ऊपर से हमारे को सिर्फ इसका बेस रिमूव करना है। ऊपर वाला टॉप उड़ा देंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमने इसको गर्म करके करा ना, तो वो चिपक गया साथ में दूसरे के साथ में, और ये इतना बड़ा पॉट तैयार हो जाएगा पावर बॉक्स इस्तेमाल करके, जो कि चार डब्बे प्लास्टिक के हम फेंकने वाले थे, अब ये पॉट में इस्तेमाल हो जाएंगे, और खूब डिज़ाइनर पॉट बन गया ये। इसमें ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छी होती है, और प्लांट भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। डेकोरेट करना चाहें तो हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, और अगर हम पेंट मारना चाहें तो हम पेंट भी कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो सर्कल हमने कर लिया है, अब यहाँ पर एक दो और रहते हैं करने के लिए। उसके बाद में इसमें मजबूती और आ जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बन गया, पूरा तैयार हो गया। ये तीनों तरफ से हो गई इसमें सिलाई, यहाँ से भी हो गई और ये बीच में भी हो गई है। यहाँ पर बस नीचे की तरफ इसमें दो होल करने हैं। तो हमारा पॉट तैयार, बस इसको फिर हमने मिट्टी से भरना है बढ़िया एकदम, और उसके बाद में प्लांटिंग करनी है। ओके, इसको मिट्टी से भर रहे हैं हम, यहाँ प्लांट इसमें तो लगेंगे अब नए पौधे। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें कंपोस्ट और दूसरी चीज़ें मिला दी हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, नीम का लीवी मिला दिया है इसमें। अब हम इसको फिल करेंगे और इसके बीच में नया पौधा लगा देंगे जो हमने अभी लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके बीच में लगा दिया है टोन लिया और इसको सेट करेंगे मिट्टी को। कितना अच्छा लग रहा है इसमें लगा, ये फैलेगा तो और भी बढ़िया लगेगा। ये जो है लविंग पॉट हमने कुकीज से बना, कुकी वाले से। फ्लावर लगने के बाद तो और भी अच्छा लगेगा, जब ये पेटोनिया का फैल जाएगा ना नीचे को दोनों तरफ से, तब खूब अच्छा लगेगा देखने में। इसमें हमने मोती माम लगा दिया है एक नाइस प्लांट।